तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास मांगा लेकर आया हूं। इस मांगा का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले जाके देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। ये एक ऐसे यूनिवर्स के बारे में है जहाँ पर गोकू गोहान को सेल से लड़ने के लिए भेजता है, पर गोहान बहुत ही जल्दी हार मान लेता है और सेल उसे जीत रहा होता है। सेल गोहान को मार देता है। इस मांगा को लिखा है राइजिंग फिश नाम के इंस्टाग्रामर ने। इस मांगा का ये सेकंड पार्ट है और इसका थर्ड पार्ट आना बाकी है। तो अगर आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट सबसे पहले चाहिए तो जल्दी से जाके राइजिंग फिश को उनके इंस्टाग्राम पे और उनके यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर लीजिए। दोनों का ही लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से जाइए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये भी यूट्यूब पर नए हैं और इन्हें ड्रैगन बॉल कम्युनिटी की हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी मांगा को शुरू करते हैं। लास्ट मांगा में हमने देखा था कि कैसे परफेक्ट सेल सेल जूनियर्स के हाथों गोहान को मरवा देता है और गोकू उसमें कुछ भी नहीं कर पाता। पर गोहान की मौत के बाद गोकू का गुस्सा फट पड़ता है और वो एक नए लेवल पे चला जाता है। उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जिसका सीधा मतलब ये है कि गोकू सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो इस दुनिया का सबसे पहला सुपर सैयन 2 बन चुका है। गोकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सेल को देख रहा होता है और सेल जूनियर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सेल बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, परफेक्ट सेल के अंदर भी सैयंस के सेल्स हैं, तो इसीलिए वो एक चैलेंज ढूंढ रहा था और उसे लग रहा है कि गोकू उसे चैलेंज दे सकता है। वेजिटा अभी भी सेल जूनियर से लड़ रहा होता है, पर तभी उसे गोकू की एनर्जी महसूस होती है। वो बोलता है कि ये कैसी एनर्जी मेरे को अभी महसूस हुई, ये कैकरोट की एनर्जी थी और गोहान की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। वेजिटा देखता है कि गोकू गोहान की डेड बॉडी को लेकर अपने हाथों में खड़ा है। सेल गोकू को बोलता है कि गोकू, तुम मुझसे अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही है, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि एक छोटा सा पावर से तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम गलतफहमी में हो। पर वेजिटा समझ चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो बोलता है कि सेल को गलतफहमी हो रही है, कैकरोट अपनी ताकत नहीं छुपा रहा था। अगर वो ऐसा कर रहा होता तो मुझे महसूस हो जाता। मुझे महसूस हो रहा है कि वो बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्म सुपर सैयन के एक्सटेंडेड फॉर्म है? गोकू सेल के सामने से टेलीपोर्ट कर जाता है और मिस्टर सैटन के पास गोहान की डेड बॉडी को रख जाता है और गोकू फिर से सेल के सामने आ जाता है और सेल बोलता है कि उस कचरे को हटाने के लिए थैंक्स। तभी गोकू को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि गोहान उससे कह रहा है कि डैड, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? आप बस वहाँ पे खड़े थे, आप बस देख रहे थे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सेल गोकू से बोलता है कि गोकू, क्या मैंने तुम्हारी कोई दुखती रख दबा दी? अब गोकू के गुस्से का पारा फट पड़ता है और वो हर तरफ एनर्जी ब्लास्ट करने लग जाता है। सेल और वेजिटा दोनों ही गोकू की ताकत को देख के हैरान होते हैं। गोकू के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है, जिसका मतलब ये है कि गोकू सुपर सैयन 2 की फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटा अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर अपने आप को बचा रहा होता है और परफेक्ट सेल भी हवा में उड़ के अपने आप को गोकू के ब्लास्ट से बचाता है। गोकू ने सारे ब्लास्ट सेल जूनियर्स पे किए थे और सेल जूनियर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। गोकू सेल से बोलता है कि सेल, तुमने गलत कहा, अब मैं कचरा साफ करूँगा। इसके बाद गोकू एक एक करके सेल जूनियर्स को मारने लग जाता है। सेल ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि अभी तक कोई भी सेल जूनियर्स का सामना नहीं कर पा रहा था और गोकू ने सिर्फ एक ही झटके में सेल जूनियर्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। वेजिटा भी ये देख के हैरान होता है। सेल वापस उड़ के ज़मीन पर आता है और वेजिटा बोलता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, हम लोग इन चीज़ों को मारने की इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं और कैकरोट ने इन्हें बस एक ही झटके में ख़त्म कर दिया है। सेल गोकू से बोलता है कि गोकू, ये बुरा नहीं था, पर तुम्हें मुझे मारने के लिए और बेहतर करना होगा। पर तभी सेल के चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल जाता है। गोकू एकदम से जाके सेल के पेट में ज़ोरदार घुसा मारता है और फिर उसे खिंचा के एक ज़ोरदार लात मारता है। इससे सेल की जान निकल जाती है। सेल ने गोकू से सारे के सारे सेंजुबींस छीन लिए थे और गोकू की इस लात के बाद सेल के हाथों से वो सेंजुबींस गिर जाते हैं और गोकू उन सेंजुबींस को पकड़ लेता है। सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो बस मुझ पर दो बार अटैक किया है, तो मैं इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो सकता हूँ? क्या मैं अपने आप को भी नहीं बचा सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है? नहीं, मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता, सैल अपने मन में सोचता है और बोलता है कि बहुत अच्छे गोकू, पर एक लड़ाई को जीतने के लिए ताकत और स्पीड से भी बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। गोकू बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और सैल गोकू को बोलता है कि गोकू, तुम्हारी ताकत बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, पर मेरे ख्याल से ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, तुमने अपने बेटे को मरने दिया, तुम अपनी ये ताकत पहले भी दिखा सकते थे। सेल ये सब गोकू को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा था,
और गोकू सेल पर अटैक कर देता है, पर सेल गोकू के अटैक्स को डॉज करने लग जाता है क्योंकि गुस्से में गोकू कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। सेल अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, गोकू की ताकत और स्पीड दोनों ही मुझसे ज़्यादा हैं। पर वेजिटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ महसूस करता है। वो महसूस करता है कि गोकू ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया है और सेल उस पर कभी भी अटैक कर सकता है। गोकू सेल के सामने खड़ा होता है, पर तभी सेल दो बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें उठाता है और उन दोनों को लाकर एकदम से गोकू को उन दोनों के बीच में कुचल देता है। सेल बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत थी पर तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारी ये हालत होनी ही थी, अब तुम्हें पता चलेगा मेरी पूरी ताकत का, अब तुम मरोगे। सेल एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट गोकू के ऊपर करता है और बोलता है कि मैंने आखिर कर दिखाया, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि गोकू को कुछ भी नहीं हुआ है। गोकू बोलता है कि अगर ये तुम्हारी पूरी ताकत है तो तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तो दोस्तों, आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके राइजिंग फिस्ट के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लोगों को आज का ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो पर 1200 लाइक्स पहुँचा दीजिए, और जैसे ही ये लाइक का टारगेट पूरा होगा और नेक्स्ट चैप्टर आएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगर आप लोगों के इस स्टोरी के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।